राम राम जी, कैसे आप सभी? हम पजी दया है, आप सभी की करुणा का आशीर्वाद है। ठीक है, तबियत भी आज मेरी लगभग ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी है, लोग कभी कभार वाले। यहाँ पर जी आज बहुत थोड़ा सा ना बिजी चल रही हूँ, सुबह के बाद आवाज आई क्या? हाँ, नहीं सुनी सुनी जगी है जी, उठ जा जल्दी चल नीचे। खाना बनाया जी सुबह सुबह ना, तो सब्जी हस्बैंड के लिए टिफिन में डाल दी है, ये बाकी की मैंने रख ली अपने लिए, और बच्चों के लिए वही अभी तो खाए नहीं, लेट खाएंगे हम तो दोपहर में, और हस्बैंड की रख दिया। और ये सामान इसीलिए बिखरा पड़ा है क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड का टिफिन पैक किया है, खाना वाना बनाया है, इसके लिए कुछ चीज़ें फ्रिज में जाएंगी, कुछ कहीं जाएंगी, कुछ कहीं जाएंगी। तो जब सुबह सुबह काम करते तो ऐसे बिखरा रहता है, सब चीज़ें अरेंज कुछ रहती नहीं है, जब बनाते हैं खाना तब सबको पता है, सबके घरों में जी ऐसे ही होता है। ये मैंने दही पैक कर दिया है, ये सब्जी है, रोटी पैक करूँगी, सलाद पैक करूँगी, फ्रूट्स वाला टिफिन, मतलब कई चीज़ें। अरे हो जा रहे, मेरे को थोड़ी जल्दी है अभी जी। आज सुबह हस्बैंड लेके आए हैं, थोड़ा सा लेट जाना था तो इसलिए फ्रूट्स लेने गए हैं, तो अभी आने वाले हैं। नीचे फ़ोन आया तो मेरे को वही है, फ्रूट्स लेके आने हैं ऊपर, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस के लिए देर हो रहा है, तो जल्दी से जाती हूँ, टिफिन भी पैक नहीं हुआ मेरा, जाती हूँ और नीचे से फ्रूट्स लेके आती हूँ। और रोटी पैक करने के लिए ना मैं कपड़े का ही यूज करती हूँ, तो वैसे प्लास्टिक के वो यूज नहीं करती, इस तरह का नैपकिन जो मैं धो के रख देती हूँ, बच्चे भी ऐसे ही लेके जाते हैं, रोटी वगैरह ऐसे में ही पैक करके देती हूँ इस तरह से। तो मेरे को ये सही लगता है जी, मुझे ये सही लगा। हाँ, इसमें गर्म वरम नहीं रहती, ये बात ठीक है, ठंडी हो जाएंगी, बट ये प्लास्टिक से कहीं बेटर है ये। सुबह के बज गए जी सही 9, और जस्ट अभी हस्बैंड आए हैं फ्रूट्स लेकर, सब्जियां लेकर, मैं आज गई नहीं, तो देखेंगे इसमें क्या क्या अभी ला के रखे हैं। ये तो दिख रहा ना रहे, इसमें ग्रेप्स, इसमें ग्रेप्स है, ये एप्पल की लग रही है, इसमें इसमें ऑरेंज है जी, ये रही। तो मनीषा दियर का भी है, और सब्जियां हमारी हमारी हैं सब, उनकी सब्जियां गाड़ी में ही रखी, फ्रूट्स दोनों के ही हैं, तो वही है सही, क्योंकि एक परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाए इतना, तो मिल बांट के ऐसे करेंगे तो चल जाएंगे, ख़राब भी नहीं होंगे, और फिर वही है आते रहेंगे ये। तो ये आए अभी सुबह सुबह, आज यही लेके आए हैं, मैं नहीं गई, तो अभी करेंगे घर का काम, बाद में इनको छेड़ेंगे, अभी तो ये रखे हैं। ये सब्जी बिखरा पड़ा है, अभी मैं समेटूंगी, इनको भेज दिया पहले हस्बैंड को, ऑफिस लेट हो रहा है, तो ये सब अभी उठा के रखना पड़ेगा। इनकी बुआजी हर का डाल दिया, पेटी में लेके जाएंगे। अरे दरवाजा अभी बंद किया तेरे पापा, ये अभी तो लेके जाएंगे। ओए, एक दो पेटियों में ले गए ऐसे, ये उनका ऑरेंज ग्रेप्स है, अनार एप्पल एक में है। अरे राम, ये भी लेके जाओ, ये भी ले जाओ। हाँ फोन कर देते, मैं नीचे आ जाएंगे, फोन करते मनीषा दी के पास। सुबह के बज गए जी 12, घर की हालत काफी बेकार है आज, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बोला कि सुबह से कर क्या रही थी, नीचे डस्टबिन में पेपर नहीं लगाया, पेपर लगाते हैं जैसे कचरा डालने के लिए, इसलिए ये सब कचरा मैंने ऊपर, जैसे प्लेट तो यूज करते हैं कचरे के लिए, तो इनमें ही रखा है, तो इनको डालूंगी। किचन क्लीन नहीं किया, सब्जी की भी बर्तन ऐसे ही है, ये सब क्लीन करना है, इधर का भी ऐसे ही पड़ा है। ये फ्रूट्स आए थे, ये भी नहीं रखे हैं, बस एक साइड में करके रख दिए थे। तो अभी मेरा काम शुरू होगा, 12 बज गए हैं सुबह के। सबसे पहले मैं दूध रख देती हूँ गैस पर गर्म, उसके बाद और काम लगूंगी, तो गैस को क्लीन करती हूँ ताकि फिर बीच में दूध गर्म होता रहेगा, मुझे इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। आटा लगा दिया, बस ये काम हो गया आज का, कि आज सब्जी बन गई है, दोपहर में सब्जी नहीं बनानी अभी, और आटा लगा रखा है तो सिर्फ रोटी बनाने का काम रहेगा, तो उससे पहले मेरे को घर का काम सारा खत्म करना है, तो शुरू करें। फ्रूट्स जी एक साथ ले तो आए, लेकिन अब किचन इतना हो रही है, स्पेस सामान नहीं रखने की ना रहे कि रखें कहाँ पे, फ्रिज में तो मेरे बिल्कुल जगह नहीं है, और ग्रेप्स को तो मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, तो उनकी तो जगह करूँगी, बट बाकी और चीज़ें कुछ नहीं आएंगी फ्रिज में, तो सबको इधर ही एडजस्ट करूँगी। तो ये वाला जिसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ ये खाली है अभी,
तो ऑरेंज तो उसमें रख दूँ क्योंकि सबसे पहले ऑरेंज ही खत्म करनी है। एक तो ये वैसे ही पूरी पकी हुई है, मीठी अच्छी है और खराब होने का इनका ही रहेगा। बाकी ग्रेप्स कुछ फ्रिज में आ जाएंगे, थोड़े बहुत बाहर रख दूंगी। एप्पल और अनार वो जल्दी से खराब होंगे नहीं, और बनाना गिदर टंगा दिए, अभी ग्रीन है, ये भी दिखती भी रहेगी जैसे जैसे पकती जाएंगे लेते जाएंगे, ये वैसे जल्दी से खराब नहीं होती है। और ऑरेंज को इनमें एडजस्ट करती हूँ, सामान का थोड़ा हो रहा है इसलिए टाइम हो रहा है कि किस चीज़ को कहाँ पर रखूँ, देखती हूँ कहीं तो एडजस्ट करना ही है। जो थोड़ी ग्रीन ऑरेंज है उनको मैं नीचे रख दूंगी ताकि उनका नंबर बाद में आए, और ऐसे थोड़ा चेक भी करना रहेगा ना, कुछ ना कुछ अभी ऐसे इतनी ज़्यादा लो तो खराब तो रहती है। ऑरेंज तो जी सारी इसमें आ गई, जैसे थोड़ी ज़्यादा पकी हुई है कि ये थोड़ी सी ना वैसे लग रही है, खराब तो नहीं है बट छेद हो रहा है इसमें थोड़ा सा ना, तो ऐसे ही ऊपर रख दिया ताकि ये जल्दी खाई जाए। अभी ना बहुत पकी हुई ऑरेंज आ रही है, बिल्कुल मीठी है और बस सीजन जाने वाला ऑरेंज का, आई थिंक इसके बाद तो शायद अभी 10-15 दिन बाद जाएंगे तब तो मिलेंगी भी नहीं शायद, तो अभी इनको तो कर दिया एडजस्ट। इस पेटी में है जी एप्पल और अनार, दोनों इसमें ही है, तो ये तो वही है कि जल्दी से खराब नहीं होंगे, कई दिन चल जाएंगे, वही फ्रिज में नहीं रखा जाएगा तो भी चलेगा, अभी क्या करूँ स्पेस ही नहीं है, तो इनको भी कहीं एडजस्ट करती हूँ। किचन में जगह नहीं हो रही है, देखती हूँ कहीं बाहर रखती हूँ। सब्जियाँ रखी हैं जी धोकर, सूखेंगी तब इनको फिर से अरेंज करना रहेगा। अभी फिर से कोरोना आ रहा है, वैसे भी मेरी तो कभी छुट्टी ही नहीं सब्जियाँ धोना, तो अभी ये तो धोया भी नहीं है। आज हस्बैंड को बोला था कि मेथी नहीं है, अब की बात यूज ही नहीं किया, कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई है घर में मेथी ये वाली, तो बोला था मिले तो लेके आना जी, तो लेके आए, कभी देखेंगे रोटी में पराठे में सब्जी में भी मन करता है, आलू की मेथी की सब्जी ना। इधर ये वॉश नहीं किए हैं, धनिया थोड़ा इसमें कुछ खराब पत्तियाँ थी वो निकाली, बस थोड़ा मोटा मोटा साफ किया है, बाद में इसको जब टाइम मिलेगा तब बाद में आराम से करूँगी। इधर कुछ सब्जी अभी भी भीगी पड़ी है तो इनको देखती हूँ थोड़ी देर बाद फिर वॉश करूँ, क्योंकि जगह नहीं हो रही थी तो थोड़ी देर में सोचा भीगी रहने देती हूँ। और अभी मेरे को एक हेयर पैक बनाना है, आज हेयर वॉश करना, लेट तो मैं बहुत हो चुकी हूँ पर ऑप्शन नहीं है हेयर वॉश करना, क्योंकि हेयर वॉश भी हर दिन तो होता नहीं है। ये फ्लैक्स सीड जेल है तो इसको यूज करके बनाना रखी है, तो पकी इसका एक हेयर पैक बनाती हूँ। और बच्चे गए अपने भुआ जी के, अब तक नहीं आए, कब आएंगे पता नहीं, देखते हैं। ये लोग यहाँ पे क्या बना रहे हो? लावा, देख देख देख, लावा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पे। देखो लावा बनाया जा रहा है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट चल रहा है लोगों का। देख दिखाओ करके दिखाओ, ये देख अभी देख, रुको ऐसे जितना ज्यादा हम लोग खाएंगे ना उतना ज्यादा आएगा, देखना इधर से मिक्स करने से जैसे हर बार होता है, ओ बबल्स आ रहे हैं। यही तुम्हारा लावा है? हाँ देखो, बोला था ना मैंने, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कौन पी लावा का, कोई नहीं पिएगा, कौन मुंह पे लगाना चाहेगा, कोई नहीं, जो सी दीदी कैमरा मैन और अपना पूरा आज खाने में जी फिर से मैंने पत्थर की चटनी बनाई है, सब्जी भी बनाई है पेठे की, पर बच्चे आज मीनाक्षी अभी यार इधर ही है, ये लोग पहले तो योशियर खेलने गई थी फिर सब लोग साथ में इधर ही आ गए, मैंने सोची आज बच्चों को पत्थर की चटनी खिलाती हूँ, बुआजी नहीं है इनकी, बच्चे बच्चे हैं, तो खाना बना लिया, रोटी बना ली है, सलाद भी काट ली, बस चटनी नहीं बनाई थी, तो चटनी भी हमारी बन गई है, बहुत टेस्ट लगी, इसकी जो खुशबू आई ना धनिया से पिसने की, मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आई है। चलो अब की बार कुछ काम तो अच्छे हुए हमारे कि चटनी का मजा तो ले लेंगे हम लोग। ये बन गई जी, इसको डाल के भाई कटोरी में, दही है खूब सारा, ये टिफ़न भर के है, ये पतीला भर के है, तो लस्सी लेंगे बच्चे, लस्सी कर दूँगी, दही लेंगे तो दही, तो इसको निकाल दो पहले कटोरी में। और ये सलाद काट लिए, थोड़ी गाजर खीरा रोटी बना ली है, मैं सब चीज़ लेके बैठ गई हूँ जी, पर बच्चों का आना नहीं हो रहा है, दो मिनट बोल रहे, इसमें दही है, इसमें बटर, आ जाओ इसमें खुल जा, ये सब्जी है, ये चटनी, ये रोटी रही, आराम नहीं रही, इधर उधर घूम रहे हैं, आ जाओ, अरे थोड़ी सी फिर मैंने लस्सी कर ले, ये लस्सी भी अच्छी लगी, खाना खाने लग गए जी बड़ी इंतजार के बाद, और सबसे टेस्टी तो ये लग रहा है मेरे को चटनी, ये आज के खाने की प्लेट, सब लोग बैठ चुके हैं, कोई किसी के साथ खा रहा, कोई पैर फोल्ड करके बैठा, कोई किसी के साथ, योशी आगे आ जा, योशी ने मैंने शुरू नहीं किया, हम लोग अब शुरू करेंगे, चलो भाई खाना खाते हुए जी, खाना खा लो,
मूवी लगा ली उरी और पूरा माहौल कर दे पढ़ते पढ़ते सब कुछ लाइट भी बंद कर दी है देखो कि पूरा मूवी का माहौल तो तभी बनेगा। आज ये देख ये कर रखा है जी ये तो हॉलीडे होमवर्क कर रही है दोनों मिलके और ये तुम दोनों क्या कर रहे हो काटा पिटी ये सब ये पता नहीं क्या ये दोनों ऐसे ही कर रहे हैं कुछ बनेगा तब देखती हूँ मैं दोनों का कि क्या बनाया तुम लोगों ने और ये अपने स्कूल का ग्लू गन को आराम से करना ये भी अपने होमवर्क कर रही है पापा आने वाले बेटा देखे नीचे इधर विंडो में से देखो अभी खड़े हो जा रहे बच्चे जाएंगे अभी इधर नहीं आए ठीक है ओके शाम का प्लान अभी बना लो 4 बजने को तो है चप्पल इसने इस कहाँ है इसने छुपाई है निशु ने दे दे चुपचाप दे दे इसने छुपाई है निशु ने शाम के बज गए हैं जी 6 और अब आपके सामने हाजिर है मेरी महीनों की मेहनत टन टन ये देखो जी ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी मतलब मैंने रेडी तो ये कल कर लिया था बस पहन के दिखाना बाकी था तो आज का भी दिन चला गया देखो 6 बजे फिर एकदम से ध्यान आया कि ब्लाउज तो पहन के देखा ही ना फिटिंग विटिंग तो चेक की ना सही है कि नहीं है निशु खेलने जा चुकी है तो एकदम से ध्यान आया तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई तो मारते हैं बाजू ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए हाँ हल्की सी लूज है ये वाली बाजू ना देखो दिख रही है हाथ घूमना तो करूँगी तो थोड़ा सा टाइट करूँगी नहीं तो देखो ऐसे लूज भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है पर टाउन थोड़ा सा कर सकती हूँ ऐसी बाजू है ये इस तरह की आ गई इसलिए देखो ये भी वही सेम है हल्की सी लूज है देखो ऐसे ना तो इनको चाहूँगी तो बस 1/2 इंच के इतना ना सिलाई मार लूँगी तो सही हो जाएंगे और बाकी ठीक है गला सही है बड़ा नहीं है और ना ही छोटा है सही है योशी ये वाली पट्टी जी इस तरह से आई है ये ना थोड़ी सी मैंने लूज छोड़ी लूज मैंने ना जानबूझ के छोड़ी क्योंकि जैसे जब साड़ी पहननी होगी ना तो साड़ी की जो पल्ला आएगा जो हम प्लेट करके इधर कंधे पे लगाते हैं तो वो ना इसके अंदर से निकालने के लिए ये डिजाइन के लिए मैंने बनाया जैसे आप लोगों ने देखा जैसे बेल्ट लगाते हैं फिर ऊपर से हम तो इस तरह से ना इसको बेल्ट की तरह ले लूँगी मैं तो इसकी इसलिए मैंने इसको मतलब इतनी लूज भी नहीं दिख रही कि देखो बहुत ज़्यादा लूज है थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लूज है बुरी नहीं लग रही है तो इसके नीचे से ना वो साड़ी आराम से निकले भाई बहुत ज़्यादा टाइट होती है ना बिल्कुल ऐसे कसी हुई तो अच्छी नहीं लगती अब ये ऐसे भी अच्छी लग रही है अगर ना निकले ना तो भी और इसके नीचे से ना ऐसे साड़ी निकल के और फिर ऐसे पल्लू आ जाएगा ऐसे ही तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा लूज रखा है कैसा लगा बताना मेरे को तो फिटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी ना एकदम परफेक्ट आई है एकदम सही है योशी एक बार आना थोड़ा पीछे का और दिखा देगा ये देखो तो भाई हल्की देखो लूज है बाजू थोड़ी सी लूज है थोड़ी सी करनी पड़ेगी देखो ये आगे का पार्ट कैसी लगी मेरी मेहनत मेरे को तो अच्छी लगी थी बाजू में करूंगी तो हल्की सी टाइट कर लोगे ये तो चलेगी तो बस ये आपको पहन के दिखाना था कि मेरे इसे में लगी थी कर रही थी कि कैसा ब्लाउज सिला ननद को और दिखाते हैं उसको नहीं दिखाया है उसको वीडियो कॉल करती हूँ फिर उसको भी दिखाती हूँ हो रही है जो आंखों की सिकाई जो कि योशी कर रही है तेरे दोनों नीचे गिरा दे तेरे पिटाई लगाऊंगी मैं आज योशी कर रही है तो ये नखरे कर रही है योशी की तो मेरे हो रहा है सर में दर्द कभी कुछ डेली हो रहा है आज सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तो मैंने लिए है मेरा सब काम हो गया ब्रश मुँह धोना सब हो गया याद रख लिया है पानी पीने तो मैं जाके सो रही हूँ नीचे मत कर शरारत ये आज हस्बैंड नवाड़ेंगे बच्चों को और खाना पीना सबका हो गया तो बाकी वो देखेंगे याद रख जाड़ के नीचे ऐसे चबा के मैं सो जाऊंगी इससे सर दर्द वही है दूर हो जाता है ऐसे ना जब सर दर्द हो ना तो जाड़ में ये रख लो अदरक का टुकड़ा तो उससे फर्क पड़ता है ठीक हो जाता है तो मैंने एक दो बार पहले ट्राई किया था तो अब मेरे को फिर याद आ गया और वही थोड़ी खांसी तो नहीं है पर हो तो भी खांसी भी नहीं आती है तो अभी यही करूँगी बस अभी मैं जा रही हूँ बेड पर सो रही हूँ मच्छरदानी भी लग चुकी है और उम्मीद है कि कल सुबह सर का दर्द भी नहीं होगा वैसे तो तबीयत ठीक थी कुछ नहीं होगा एकदम अच्छे से आप लोगों का वेलकम करोगे तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना और आप सभी को शुभ रात्रि राम राम जी।